पुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम महे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गणार्हं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम वार्ता करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन जो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में रहेगा वो रहेगा कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधे समय में सूर्य का जो परिवर्तन ये रहेगा, विशेष तौर पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र के साथ सूर्य जो है वो 12वें भाव में विद्यमान रहेंगे और उदित होते सूर्य वहाँ बैठे हैं। ये राजयोग कारक बहुत सुंदर तरीके से गोचर में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महत्वपूर्ण भाव में उत्पन्न होकर आपके जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं। आपके ना जो इस समय में ऐसा दिखाई देता है ग्रहगण दृष्टिकोण से, देखिए वैसे तो जन्मपत्री पूरी तरह से विचार करने की जरूरत होती है, लेकिन एक एक ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करता है। इन दिनों हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा कुछ अधिक बढ़ जाए। सूर्य और शुक्र का योग जिस प्रकार से बना हुआ है और करीब करीब अगस्त के आरंभ तक तो रहेगा, लेकिन जो सूर्य हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, 16 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सूर्य का जो परिवर्तन है आपके जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस आपको बना देगा। ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं किसी सट्टे वाले काम में, दाव पे लगाने वाले काम में, कोई ऐसा कार्य है जिसमें बिल्कुल काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा रिजल्ट लाने का, स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में, शेयर मार्केट वाले बिजनेस में, तो हम उनको सावधान करना चाहेंगे। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा ना पालें, कोई बहुत बड़ी पटकनी लगने के योग भी उस महत्वाकांक्षा मृत्यु की महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी जो है ना वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से सिंह राशि वालों, उग्र आपका विशेषकर जो योग है बुध भी इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो यहाँ चलने वाले हैं और विशेष तौर पर योग बनाने वाले हैं जो, वो भी आपके लिए बड़ा विचित्र है। शनि महाराज आपकी राशि के सामने चल रहे हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव हो जाएगा और बिल्कुल आप मुझे ऐसा दिखाई देता हमें कि आप किसी की सुनने वाले नहीं दिखाई देते। तो अगर देखिए ज्योतिष को विशेष तौर पर समझना चाहिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि ग्रह क्या योग बना रहे हैं, और यदि उसको समझ लें तो आप बहुत कुछ परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। लेकिन इन दिनों ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से सफलता के बढ़िया योग होते हुए भी थोड़ा सा आपके अंदर हट धर्मिता है और अपने ही सिद्धांत को सत्य साबित करने के लिए योग थोड़े ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। किस्मत साथ दे रही है, बिल्कुल किस्मत साथ दे रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ही सत्य मानकर, दुनिया में हम भी विद्वान हैं तो लेकिन हमसे भी बड़े विद्वान बहुत हैं, शेर का सवा शेर भी हर जगह होता ही है, इस बात को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों का सानिध्य यदि हम लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा, वो आपको सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति आपकी संपूर्ण रूप से धन रक्षा करने के योग बना रहा है, धन आने के योग बना रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा से बियॉन्ड जाकर बाहर जाकर कार्य करने का यदि हम प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कोई इलेक्शन छोटे छोटे कई प्रकार के होते हैं ना, कोई हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं, या कोई हमारी कम्युनिटी में इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं भी कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दाव लगाने के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा मन में है, तो उसमें इस वक्त विशेष तौर पर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए तो 16 अगस्त तक थोड़ा सा रुककर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बिना सपनों के वैसे कुछ होता भी नहीं है, सपने देखें बिल्कुल देखें, लेकिन सपनों में और रियलिटी में हमको ये फर्क करने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सी रहेगी, प्रैक्टिकल सीमा कौन सी रहेगी। तो यदि उस सीमा को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय भी चल सकता है, बहुत लाभ ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस काल में संबंध में अच्छे से जन्मपत्री को भी अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या ग्रहों का योगा योग है, महत्वाकांक्षा जो है वो कहीं दशा इत्यादि तो कहीं और खराब नहीं चल रही है, तो उन सबको भी देखते हुए यदि हम कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन इस समय में हमने आपको बताया तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दें,
नित्य प्रति जल अवश्य दें। सूर्य का सुबह ध्यान करते हुए सूर्य के उदय होते हुए समय पर उठ जाएं, उस समय भगवान का ध्यान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावन का महीना इन दिनों विशेष तौर पर रहेगा। भगवान शिव का ध्यान करने का प्रयास करें। शिव का की प्रार्थना जो है, उनकी आराधना जो है, वो व्यक्ति को अहंकार पर विजय प्राप्त करने का रास्ता बनाती है। लेकिन आकांक्षा मन में है ही ना, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। भगवान का रुद्राभिषेक आप अच्छे से करने का प्रयास करें, हो सके तो भगवान का अभिषेक जो है गंगा जल से नित्य प्रति करने का प्रयास करें। सावन का महीना इस दौरान आरंभ हो ही जाएगा और पूरा 30 दिन तक सावन का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। विवेकानंद योग आश्रम में भी इसके संबंध में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है पूरे महीने का, तो आप भी अभी हम आपको पूरी तरह से बताते हैं उसका कार्यक्रम किस प्रकार से। लेकिन जो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपको ध्यान रखते हुए आप उपाय करें, प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज की तारीख में ऐसे हो गए हैं कि भैया प्रार्थना के नाम, भगवान का नाम आते ही थोड़ा सा मन में इस प्रकार का भाव जाता है, नहीं नहीं हमको मंत्र वगैरह पूजा पाठ में नहीं जाना है। तो ठीक है, लेकिन परमात्मा का नाम चमत्कार उपस्थित करता है, ये भी समझना चाहिए। हम उपाय आपको प्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास किया कि ग्रह ने आपके जीवन में किस प्रकार का योग बनाने का कार्य इस समय में करने वाला है, तो उसको समझते हुए भी कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझें, लेकिन यदि प्रार्थना के रूप में परमात्मा का ध्यान करते हुए कार्य कर पाएँ तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए उसको समझें, क्योंकि हमारे जो ऊपर तार जुड़े हैं परमात्मा के साथ ही जुड़े हैं, उसके द्वारा ही सब कुछ अच्छा योग बनता है। लेकिन समाज है, समाज में बहुत सारे विभिन्न प्रकृति के लोग हैं, तो उसके अनुसार से भी यदि आप अध्यात्म को समझने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगायोग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत यह रहता है कि जब जीवन में जब कुछ कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम इस किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का ध्यान का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्य प्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्त्रोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्य प्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्य प्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्य प्रति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उदय करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्य प्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय समय, और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है।
जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्य प्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्य प्रति रखा है, दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में, वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने ग्रहजन प्रभावों को दूर करने के लिए, मनवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष अभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए, सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजिशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे, तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभकर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते, दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्यकर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।